प्रखंड गौनाहा के अधिकतर गांव में देखा गया है कि अन्य जाति के लोग के अपेक्षा उराव जाति के जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं, जिनमें 40 महिला पुरुषों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा गया है, जिसके लिए कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। बैंक में इन लोग का खाता भी नहीं खुल रहा है, बीपीएल में नाम भी नहीं है, जॉब कार्ड भी नहीं है। इन गरीब किसानों को हर सरकारी लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है। मेरे गांव में लगभग 20-25 आदमी ऐसा है कि जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, जिसके चलते नहीं कि बैंक में खाता नहीं खुल पाता है, कोई भी सरकारी जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। बाहर जाने पर भी आइडेंटी कार्ड अब मांगता नहीं जाता, क्योंकि ये हमारे गाँव का जो है बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता है, जिसके चलते बहुत कठिनाइयाँ उठाना पड़ता है। यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आता इसका नाम नहीं, नहीं। इसके पहले तो मैंने भी सुना था कि एक दो बार आया था, लेकिन समय लगता नहीं था। एक दो बार का ऐसा ही था कि जो मतलब बी लोग आए थे, एक दो बार वगैरह निकल गया था, उसके बाद भी ले जाने के बाद भी अभी तक बनकर नहीं आया। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी सबका स्कूल जाए, वोटर आई डी कार्ड बन जाए, तो गाँव नहीं बना जिसको गवर्नमेंट का सुविधा मिलना चाहिए। मैं चाहती हूं कि इन आदिवासियों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ते हुए उन्हें परिचय पत्र निर्गत किया जाए। मैं आप लोग से अपील करती हूं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिनका नंबर है 94-31-81-81-44, इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं, ताकि पहचान पत्र से वंचित लोगों को परिचय पत्र उपलब्ध कराया जा सके। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से, इंडियन हर्ट के लिए।